है, मैथ्स की जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराता हूँ। तो अगर आप स्पेशल किसी स्पेशल टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आज हमने टॉपिक पे लेकर आया हूँ धारा और नाव से, ठीक है। स्ट्रीम वाला जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन है, उसके बिहार का नाव का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एक व्यक्ति धारा के दिशा में 4 घंटे का 18 किलोमीटर दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे का फासला तय करता है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में याद रखनी है, धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होती है। तो 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, प्रतिकूल जो चलता है वो 12 घंटे में चलता है। तो फॉर्मूला हमें कहा है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पहले से फॉर्मूला तो यहाँ पर एक चीज तो कॉमन होगी, जो डिस्टेंस के हिसाब से चीजें चल रही है पूरी बात नहीं। यहाँ पर जो है वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर धारा के दिशा में नाव को लेकर के चलता है, धारा के दिशा में, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर दोनों की दिशा अगर जुड़ती है तो कितना होगा, ठीक है। अगर आप जोड़ते हैं धारा की दिशा में तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, धारा की दिशा x plus y बराबर डिस्टेंस अपॉन 18 किलोमीटर बटे टाइम 4 घंटे में जाता है। दूसरी धारा के विपरीत तो माइनस हो जाएगी, 12 घंटे में माइनस हो जाता है, ठीक है। 12 घंटे में 18 किलोमीटर 12 घंटे में वापस आ जाता है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, नाव की गति होती तो हमें x ज्ञात करना होता, धारा की गति होती है तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 से काटेंगे 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, फिर इसको काट लेंगे 6 से 6 3 2 3 2 से इसको काटेंगे 1.5 आपके ये वाला आंसर है, वो भी करते हैं जाके समझ में आ रखे होंगे। अगर इसका हमें डायरेक्ट चीज चाहिए हमें पता है, हम सीधा सीधा इसका ट्रिक जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं दोस्तों, ट्रिक हमें पता करना है कि ट्रिक से जवाब हम कैसे करेंगे। तो ट्रिक से करने के लिए क्या करना होगा, जो दोनों ही हमें दोनों की जो दोस्तों स्पीड आ रही है, दोनों की स्पीड का मतलब है कि यहाँ पर स्पीड देख लो और ये वाली स्पीड देख लो, और उसका क्या कर दो आप सीधा सीधा घटा के आधा, ठीक है। अगर धारा की माप धारा की चाल तो 4 घंटे और 18 घंटे चेंज करता है, 18 किलोमीटर 4 घंटे में कर रहा है और फिर वही 18 किलोमीटर 12 घंटे में कर रहा है, दोनों को घटा करके इसका आधा तो आधा कर रहा है। कैसा आधा करके देखिएगा, यहाँ पर बताता हूँ आपको कि अगर आप इसको जोड़ रहे होंगे तो 12 घंटे ले लीजिए, 12 घंटे लेंगे 3 से 4 कितनी बार लगेगा, 4 के 4 6 18 20 12 किया 14 ठीक है माइनस 18 बटे में कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 12 के साथ तो आ जाएगा 2 और 18 दूनी 36 घंटेगा और 12 किया 18 36 3 बटे 2 और 3 बटे 2 के 17 1.5 से भी देखेंगे एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बता देता हूँ। पहले इसकी स्पीड निकालो 20 किलोमीटर एक घंटे में, ठीक है। फिर 2 घंटे में चल रहा है 20 किलोमीटर, फिर उसी दिशा में प्रति घंटे, तो 20 किलोमीटर ही 2 घंटे में, दोनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, आपका आंसर आएगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ गया 10, 10 और 20 जोड़ करके कितना हो गया दोस्तों 30, 30 बटे 2 37 बटे 15, तो जो इसका आंसर होगा वो 215 किलोमीटर। यहाँ पर अगर नाव की चाल दीजिएगा, अगर नाव की चाल दीजिए तो नाव की चाल अगर दीजिए तो कैसे करेंगे, और अगर यहाँ पर धारा की चाल पूछे धारा, तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं, धारा की चाल निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है 20 बटे 1 माइनस के 30 बटे 2 दूसरे कितनी बार कटता 10 बार, और घटाने के बाद में उसका आधा भी करना पड़ता है 20 माइनस 10 बटे 2 कितना बचेगा 10 बटे 2 काटेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गई आपके सॉल्विंग इसकी चाल दोस्तों, ये आगे धारा की चाल और एक तरफ आगे आपकी नाव की चाल। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह धारा के कितनी उतनी ही दूरी, सही है, ये होगा आधी उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है, यानी कि 3 घंटे में 3 गुना समय दे रखा है धारा की गति का देती है, 6 किलोमीटर की चेक कर रही है 1 घंटे में और 6 किलोमीटर कर रही है 3 घंटे। अब धारा के दिशा के लिए माइनस करा तो बटे दो बना हुआ 6/1 माइनस कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा बटे दो, 6 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4/2, 2 से कितनी बार घटेगा 2 बार। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपसे, इसका जो सही आंसर होगा वो डी वाला, क्या होगा सही आंसर डी वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की जाति आती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता भी रखा है कि कैसे लगाएंगे, 40 किलोमीटर तो जाती है 8 घंटे में और कितना देखेगा कितना कह रहा है 36 किलोमीटर, ठीक है, क्या कह रहा है 6 घंटे में धारा की दिशा में जाती है, प्रतिकूल वाला इधर आ गया 36 और 36 किलोमीटर जाती है 6 घंटे, माइनस कर दो बटे में 2, माइनस और बटे में 2 की लगाइए, सिंपल सी चीज है यहां पर मैं आपको पहले ही बता रहा है क्या कि अगर शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है तो बच रहा है, नाव की चाल अगर धारा की चाल ज्ञात करनी है तो बच रहा है 6 6 36 8 40 तब जाएगा 11/2, 2 से 11 कितनी बार कटेगा 5.5 बार कटेगा, सही आंसर होगा इसका बी, क्या होगा सही आंसर बी होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहले 1 घंटे में कितने इस स्थान पर चारा आ सकता है, ये कहते हैं शांत जल में, तो ये तो व्यक्ति चार होगी प्रति घंटे की गति से नौका चलाता है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, वह स्थान क्या होगा, उसको जाना भी है और वहां से आना भी है 1 घंटे के अंदर, तो हमें तो पता नहीं तो कैसे आ सकता है या जा सकता है, तो इसका तरीका क्या होगा, दोनों चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है, एक निश्चित स्थान से 1 घंटे में उसको जाना है और 1 घंटे में उसको आना है, तो इस तरीके से हमने कहा तो जाने का समय होगा t1 बराबर किस फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सपोज x में जा सकता है तो जाने में कितना समय लगेगा धारा की दिशा में 6 हो जाएगा, और कितने समय में आ सकता है कि वापस आने में समय हो गया उसका घट जाएगा 4, और x बटे 6 को और x बटे 4 को जोड़ करके बराबर में तो 1 इन एल्जेब्रा में कितना इसे मजा आएगा, उसके लिए हम देखेगा कितना इसे मजा आएगा 12, 6 दुनी 12 4 दुनी 12 बराबर कितना हो जाएगा 6 दुनी 12 2x प्लस 3x बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, बटे हो जाएगा 12 बराबर है, तो
यही हो जाएगा 12/5, हो जाएगा यहाँ पर 12/5। अब इसको काटने के लगता है 5 × 5 = 24, 2.4 किलोमीटर जा सकता है और 2.4 किलोमीटर वापस आ सकता है, लगभग 2.5 किलोमीटर से कुछ कम। तो मैं करता हूँ, ये जो क्वेश्चन था आपके स्कूल से आया होगा, ठीक है। मैं सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, 5 जनवरी में 36 किलोमीटर की है या धारा के प्रतिकूल 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर करती है, तो कितनी ही दूरी यह धारा की दिशा में कितने किलोमीटर प्रतिकूल में गया है, प्रतिकूल ठीक है, प्रतिकूल में गया है यहाँ पर, और मोटर की स्पीड दे रखी है, यहाँ पर धारा की स्पीड नहीं दे रखी है। तो सिंपल है वैसे तो 36 किलोमीटर की स्पीड है, यह धारा के प्रतिकूल 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर करती है, 56 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल, तो 36 तो यहाँ पर सब हो गया 1 घंटा 45 मिनट, 1 + 45/60, ये सब घंटे में चेंज हो गया, बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे चार, चार बटे होगी 36 + x, 36 + x, इसको ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर इसको लिख लेते हैं थोड़ा सही से, तो यहाँ पर जाएगी 36 धारा के प्रतिकूल जा रहा है, 36 - x बराबर 56 किलोमीटर बटे 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को साथ तो इतनी ही दूरी है धारा की दिशा में कितने समय में तय कर सकता है, हमने समय निकाला कि इतनी ही दूरी के लिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई, सिंपल सी चीजें में देखो, 36 प्लस दिशा की बात करना है, 56/30 आप तो हमको जोड़ दीजिए तो कट जाएगा, ये हो गया 72 + 36 = 72, अगर सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 56/15 = 45, 15 = 60, इसको अगर हम सॉल्व करते 4 × 7 = 7/4 प्लस 56/3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 56/3 कितना आएगा, यहाँ पर 56/3 आएगा, यहाँ पर 56/3 इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर सिंपल 7 × 56 और ये इसको गुणा करेगा तो 72 × 8 = 8 × 16 = 32 कितना बचेगा, यहाँ पर 72 में से 32 घटाते तो बचता है 40, हो जाएगा 40 = 56/3 और टी बराबर हो जाएगा 56/40, इसको सॉल्व कर देंगे तो 40 ही 40 तो 1 घंटा का ही हो गया, बचा कितना होता था दोस्तों, यहाँ से कितना बचेगा 40 से 16 = 40, अब इसको सॉल्व कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 1 घंटा 24 मिनट इसका आंसर आएगा, अगर इसको सॉल्व करो तो करते हैं चीजें आपको समझ में आई रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,